वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये आज हम बना रहे थे अरबी गोश्त, और इसके लिए मैंने जो ली है दो हरी मिर्च, एक टमाटर, आधा प्याज, इसलिए बहुत थोड़ा सा बना रही थी, और ये धनिया और ये थोड़ी सी अदरक, इसको मैं बारी बारी चॉप कर लूँगी। और बच्चों के मैगी भी मैंने रेडी करे हुए थे, वो भी बस शोर मचा रहे थे, मम्मा हमें कुछ दें खाने के लिए। मैंने कहा ठीक है बेटा, अभी अब बना के देती हूँ आप लोगों को बस। और ये मैं बस अब बघार करने वाली हूँ, उसमें मैंने गरम मसाला साबुत डाला है, प्याज और तेल, बस अब इसको हम बघार करेंगे और उसके बाद हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसमें गोश्त डाल देंगे। अच्छा, मैं कल गई थी डिनर करने के लिए, मेरा गला वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब था अभी काफ़ी दिनों से। बस ये कि मैंने सूप पिया तो देखें माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा हो गया गला। बस ये है कि देखें, बस अल्लाह ताला अपनी ज़मान में रखी और घूमना फिरना होता ही रहता। और मैं बस चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊँ, और जो चीज़ ज़्यादा मशहूर है वो चीज़ आप लोगों को भी दिखाऊँ, और वो भी दिखाऊँ जो छोटी छोटी जगहों पर होती है मगर वहाँ चीज़ें इतनी अच्छी होती हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं ना, वो चीज़ें भी आप लोगों को दिखाऊं। बस ये कि बस आप लोग मुझे इतना पसंद करते हैं, मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं आप, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, मगर आप कमेंट्स भी करा करें, आप लाइक भी करा करें, भर दें आप लोग कमेंट्स को और लाइक को भर दें। बस मुझे बड़ी खुशी होगी। देखें आप लोग, मैं सब कुछ आप लोगों के लिए ही करती हूँ, बस मैं ये कहती हूँ कि मेरी फैमिली जो प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली है वो बस वो खुश रहे मुझसे। और बस ये एक बात और मुझे ये करनी थी कि शबाना आंटी, शबाना भी कुकिंग उनका चैनल है, वो बहुत अच्छी औरत है माशाल्लाह माशाल्लाह। उन्होंने भी एक ऐसी बात बोली कि उनकी वीडियो को जो उनकी बेटी का निकाह हुआ है वो टूटने वाला है, ये वो, ऐसे आप लोग किसी की वीडियो पे ना बोलें ना। देखें वो इतनी अच्छी औरत हैं, दीनदार हैं, और मेरे लिए तो वो बहुत ज़्यादा बढ़कर हैं, वो इसलिए कि मैंने उन्हीं को देख के मैंने वीडियो अपनी बनाई, अपना चैनल बनाया, वो बहुत अच्छी हो रहते हैं। मगर किसी की बच्चियों के लिए आप ऐसा नहीं करें ना। देखें आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि आज अगर आप ऐसी बात किसी की बच्चे के लिए करेंगे तो कल को आपकी भी आगे बच्चियां हों, आपके बच्चे हों, और कोई आपके लिए भी ऐसे बोल सके। और देखें पीठ पीछे किसी की बुराई ना करा करें, वो इसलिए देखें हम तो नहीं सुन रहे होते ना, मगर अल्लाह देख रहा होता है ना। देखें अल्लाह की लाठी बे आवाज़ होती है, बहुत लगती है तो बहुत ज़ोर से लगती है। बस ये कि किसी की बुराई ना करें, ना किसी को बुरा कहें, आप ये सोच लें कि बस देखें अल्लाह देख रहा है बस। और देखें शबाना आंटी, मैं मुझे भी बहुत अफसोस हुआ कि सपने ऐसे से आपको कमेंट्स किए होंगे या फिर आपकी वीडियो पे ऐसे बोला होगा, मगर आप लोग देखें अपना काम करें और देखें अपना व्लॉग इतना अच्छा बनाएं कि आप लोगों को भी इतना ही पसंद करें जितना उन लोगों को पसंद किया जा रहा है। और वाकई उनके तो माशाल्लाह एक व्लॉग एक वीडियो नहीं है, चैनल उनका तो माशाल्लाह 3-4 चैनल है, उनकी बहू उनकी बेटी बेटे सबके चैनल है माशाल्लाह बहुत। वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग बनाते हैं और बहुत अच्छी है शबाना आंटी। और मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मैं हैदराबाद जाऊं और शबाना आंटी से मिलूं। और ये देखें मैंने अपने घर का जो मसाला है बना हुआ सालन मसाला, ये भी मैंने इसमें ऐड किया है, बस इसमें पानी डाल के अभी हम इसको रख देंगे और बस अरबी को साफ़ करेंगे। और साफ किया बस इसको फ्राई करना है, और वैसे फ्राई करके फिर इसमें मैं ऐड करूँगी, पहले ही गल जाए गोश्त। बस अब मैं बस यही कहूँगी कि आप लोग किसी के लिए कुछ ना बोलें, वो पता है क्यों कि बस अच्छी बात नहीं होती है। देखें पीठ पीछे किसी की बात करें, हम जो भी बात है आप सामने करें, और बस अल्लाह पाक इन चीज़ों से बचाए, बस हम सबको बचाए और सबको नेक हिदायत दे। अच्छा बस ये मेरा गोश्त जो है वो गलने वाला है, मेरा नहीं मसलन सालन जो गोश्त बना रही हूँ वो गलने वाली है। यार कभी कभी मुँह से बताने क्या क्या निकल जाता है। बस ये कि बस ये गलने वाला है गोश्त, अब हम इसमें आएगी, मैंने थोड़ी सी फ्राई करी थी अरबी, अब ये मैं इसमें मिला लूँगी और बस ये मज़ेदार बनती है बहुत। और शफीक साहब को बहुत चला माशाल्लाह, खाना रेडी था, बस हम लोगों ने खाना खाया और फिर शफीक साहब का दिल चाह रहा था कि सूप पीते हैं, और हम माशाल्लाह एक शॉप पे गए सूप पीने के लिए, और आपको भी दिखाती हूँ मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत मज़ेदार सूप होता है वहाँ का, और सूप किस किस को पसंद है मुझे ज़रूर आप लोग बताइएगा, और बनाना भी किसको अच्छा लगता है ये भी ज़रूर बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें बस हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना चाहिए। और ये मैं आई हूँ शॉप, बहुत ज़बरदस्त है सूप की शॉप, और ये दोपहर में इनके दाल चावल होते हैं अंकल और आंटी के, और ये माशाल्लाह देखे कोई उम्र नहीं होती है कमाने की, बस अल्लाह ताला जिसे दे जिसे नवाजे।
और अल्लाह ताला ने इनको इतना दिया है माशाल्लाह माशाल्लाह कि बस अल्लाह नजरों बस से बचाए, अल्लाह नजरों से बचाए, सबकी बुरी नज़रों से बचाए। और इनका माशाल्लाह इतना अच्छा कारोबार है ये, और दोनों अंकल और आंटी मेहनत करते हैं। देखें होंगे इनके भी बच्चे, मगर माशाल्लाह माशाल्लाह इस उम्र में भी बैठ के ही मेहनत कर रहे हैं। और माशाल्लाह अंकल इतने अच्छे कि उन्होंने सबको हटा दिया कि मैम को वीडियो बनाने दो। मैंने कहा थैंक यू सो मच अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह देखिए इनका इतना रश था यहाँ शॉप पर, फिर भी इन्होंने मुझे कोऑपरेट किया, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये है कि बस यहाँ बहुत फ्रेश और इतना ज़बरदस्त सूप मिलता है ना, पपड़ी सूप, बहुत मज़ेदार। और ये देखिए अंकल इतने खुश हो रहे थे कि वीडियो बन रही है। मैंने कहा अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे। माशाल्लाह माशाल्लाह इनके ये खट्टे आलू भी इतने मशहूर हैं बहुत ज़्यादा। देखिए अल्लाह ताला छोटी जगहों को और बड़ी जगहों को नहीं देखता, अल्लाह ताला सिर्फ नीयतों को देखता है। अल्लाह इनकी नीयत साफ़ है तो अल्लाह ताला ने इनकी मंजिल आसान कर दी है। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत बहुत अच्छे हैं, और इनका सूप इतना मज़े का होता है और इतना सफाई से बनता है। ये अल हुसैनी चिकन कॉर्न सूप है इनका, और इनकी माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं। दोपहर में दाल चावल वगैरह भी लगाते हैं, बिरयानी भी होती है। और ये देखें मसालादार आलू हैं, आलू पपड़ी है, चना पपड़ी है, आलू चना पपड़ी है, और बेलपूरी वगैरह सब यहाँ, सबके प्राइस लिखे हुए हैं। और आपको यहाँ पे छोले की चाट वगैरह सब मिल जाएगी, और लोग बैठ के भी खा रहे हैं माशाल्लाह। ये सारा रश ये शॉप का था, ये सूप का। और सर्दी का आइटम जो इनका सबसे मशहूर है वो सूप है। और ये सारा रश जो बाहर और अंदर जो लाइंस लगी हुई थी सारी, माशाल्लाह माशाल्लाह पैर रखने की जगह भी नहीं थी, और माशाल्लाह बहुत चल रहा था ये। तो मैंने जगह अंकल ने बनाई और मुझे ये वीडियो बनाने दी, और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक बस ऐसे ही बस इनके कारोबार में बरकत दे, और सबके कारोबार में बरकत दे अल्लाह ताला। मुझे मेरे भी काम में बरकत दे, और आप लोगों के कामों में भी अल्लाह ताला बरकत दे। और देखें अच्छी दुआ करा करें, अच्छी दुआ दिया करें, और अल्लाह ताला खुश होता है। और देखें अंदर आप अपना बॉल सूप का लेकर आएँ, और बाहर आके आपको जो भी चटनी आपको मिक्स करनी है उसमें मिलाएं, आप उसमें सोया सॉस, चिली सॉस, सब चीज़ यहाँ बाहर रखा हुआ है। आप अपने बिल्कुल जितना बार आपको डालना है आप डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक दफ़ा डलवा दिया उसके बाद आपको नहीं मिलेगा, सब खुला आइटम ये रखा हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह। और बहुत रश हो रहा था यहाँ, मुझे एक आदमी भी मिले, लड़के थे, वो मोहम्मद अली भाई से पूछ रहे थे कि इनका मैम का चैनल है, मैंने देखा है, तो थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया। और बहुत अच्छे इंसान थे वो, और उनका भी चैनल था, मैंने भी उन्हें अप्रिशिएट किया। मैंने कहा इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके भी काम में बरकत दे, और आपके भी चैनल को आगे लेके जाए इंशाल्लाह ज़रूर। और ये कि बस आप लोग अब मुझे इजाज़त दीजिए, ब्लॉग पसंद आया तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स किया करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। देखें हर चीज़ में वही दिखाती हूँ आप लोगों को जो बहुत अच्छी हो और चलने वाली हो और अच्छी साफ़ सुथरी हो। अस्सलाम।